hard to breathe, but that's alright. Hush. राइट सो गाइस व्हाट्सअप. सो गाइस आज डे थ्री है दीपोत्सव का. सो हम लोग जा रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी की बस हमको वहीं से मिलेगी. तो चलते हैं. और आज डे थ्री है तो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं. हम उनसे मिलने के बहुत एक्साइटेड हैं. तो चलते हैं सीधे मिलेंगे आपको यूनिवर्सिटी में. सो गाइस एक चीज मैं मस्ट कहूंगा कि जब मतलब नॉर्मल डे होता है तो यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे पूरी बसें खड़ी रहती हैं, ट्रक खड़े रहते हैं एंड ये पूरा ट्रकों से भरा रहता है. एंड गाइस अब देखिए मोदी जी आ रहे थे उसके लिए पूरा ट्रक हट चुके हैं एंड रोड साफ. कितने रोड ये देखिए पूरा रोड एकदम साफ है. हर दिन क्यों नहीं होता यार ऐसा मैं सोचता हूँ. बस यहाँ ट्रक ना खड़े तो बहुत अच्छा रहेगा. ये है क्या ये है एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट ये है जो अयोध्या कंडीशन एयरपोर्ट बनेगा एंड कंस्ट्रक्शन ऑन द वे गाइस. एंड मोदी जी यहीं से आएंगे गाइस यहीं से यहाँ से फिर यहाँ से कार से जाएंगे फिर सीधा अयोध्या. तो चलते हैं तब तक के लिए बाय. हमारे लिए वेलकम लिख रहे हैं लोग. थैंक्स. देख रहे हो गाइस एंड हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी जो कि सीधे से लेफ्ट लेके है. एंड वहाँ देखते बस खड़ी है नहीं खड़ी है. तो गाइस बच्चे इतने हैं बस अभी एक हुआ है बस जस्ट रमलू थिंग्स गाइस. देखिए बच्चे कितने हैं. तो मिश्रा जी कैसा लग रहा है आपको बस मिलेगी नहीं मिलेगी. तो सौरभ भाई बस मिलेगी नहीं मिलेगी आज. सबका चेहरा देख कैसा लट गया है कैसा. इसीलिए मैं बोल रहा था जल्दी चलने को पर ये लेट कराए हैं ये लेट कराए हैं बस. दस बजे 9 बजे उठे हैं सो के बताइए. यहाँ मैं 6 बजे को उठाऊँ शाबाश. सो गाइस हम लोग फाइनली अयोध्या आ तो चुके हैं बट हमको बहुत पहले उतार दिया यार. यहाँ से हमको 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा पैदल होगी फिर जाके हमारा वो लता मंगेशकर चौराहा आएगा. तो हम लोग यहाँ पे अभी अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं. ये अभिषेक भाई ये हमारे रमवीर भाई एंड सब लोग यही हैं यार. हमारी कुछ दोस्त और आ रहे हैं अभी बस से उनका वेट कर रहे हैं. जब लोग आ जाएंगे हम चलेंगे इस गेट से अंदर. मैंने आपको सिक्योरिटी देखे यार कितनी ज्यादा है. मैं अंदर और दिखाऊंगा आज सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है. सो गाइस यहाँ से हमको एकदम सीधे जाना है. यार मेरी वॉइस क्वालिटी थोड़ी खराब है क्योंकि मैं माइक नहीं यूज करता. मेरे को अभी एक भैया मिले थे वो जो सामने दिख रहे हैं जा रहे हैं वो ऑरेंज बैग वो भी एक यूट्यूबर हैं द ब्लॉगर हैं बेसिकली एंड वो दिल्ली से आए हैं यहाँ पे ब्लॉग करने. एंड हमको अभी सीधे चलते जाना है यार बहुत दूर जाना है. वो देखो एकदम एंड तक 2 किलोमीटर चलना है एंड भीड़ देखो एक बार कितनी है एंड पूरा रोड खाली है. चलो चलते हैं तब तक के बाय. हम लोग यहाँ आ तो चुके हैं यार इतना चलने के बाद इधर पहुंच गए हैं. अब यहाँ से जो गेट देखा ब्लैक वाला हमको वहाँ जाना है उसके अंदर जाना है मतलब घाट के अंदर जाना है. यहाँ पे एक बार देखे यार कितना अच्छा सजाया है यार इसको वो सही लग रहा है यार ये इतना भीड़ भी बहुत ज्यादा है यार. चलो चलते हैं. ये मेरे कुछ दोस्त हैं एक दो आगे हैं. चलते हैं हम लोग सीधे घाट के अंदर यार क्योंकि बहुत थक गया इतना चल चल के. थोड़ा बैठेंगे फिर देखेंगे यार कि क्या सीन है अपने हाउस घाट का जो कि घाट नंबर 10 है जैसा कि आप लोगों को पता होगा इन केस जो मेरे ब्लॉग देख रहा होगा. सो अब यहाँ पे चेकिंग चल रही है इस गेट पे. जिसके पास पास है वही अंदर जाएगा जिसके पास नहीं है वो जाओ बाहर जाओ. अब यार लाइन कितनी लंबी देखो एक पहली लाइन दूसरी लाइन अब पता नहीं अंदर का मौका कब मिलेगा. सो गाइस मेरी घाट पे एंट्री तो हो चुकी है बट मेरे साथ एक सीन हो गया था यार एंट्री करते ही. मतलब यहाँ पे आप आधार कार्ड भी चेक कर रहे हैं आज क्योंकि सिक्योरिटी ज्यादा है क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं. एंड मेरे जो मतलब आधार कार्ड की फोटो थी मेरे पास मेरे फोन में थी वो मैं डाउनलोड ही नहीं हो रही क्योंकि यहाँ जैमर लगे तो नेट बहुत धीरे चल रहा था. तो यार मैं कम से कम 10 मिनट बाहर खड़े रहा. मैं सोचा भाई डाउनलोड नहीं होगा मैं ऐसे ही घर जाऊंगा बट मेरा लक अच्छा था यार कि मैं अंदर आ गया. तब तक क्या करे अब. तो ठीक है यार अब चलते हैं जैसा भी है कोई नहीं अब चलते हैं सीधे मिलेंगे 10 नंबर पर. तब तक मैं आपको यहाँ का वो दिखाता हूँ एक टाइम लैप्स जो भी पूरे दिए लगे सारे घाटों पर.
रहा हमारा घाट, जैसे मैंने कल भी दिखाया था, पूरे दिए अच्छे से बच चुके हैं। एंड ये जो बाजू में आपको दिख रहा है, मैं बोला था ना ड्राइंग बनेगी, बेसिकली राम मंदिर का वो है स्ट्रक्चर है जो की दियो से बनाया गया है। एंड ये तेल भी आ चुके हैं, ये दिख रहे होंगे, एंड बाकी ये रहे। सो अब चलते हैं, इसमें तेल डालना चालू करना है, सबसे पहले थोड़ा रेस्ट करना है मेरे को। ऑलराइट सो गाइस, अब हम लोग आए हैं खाना खाने यार, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया था हम सुबह से कुछ खाए नहीं है, तो करते हैं खाना खाने के बाद मिलेंगे गाइस। बाय गाइस, हम लोग फिर से आ गए अपने घाट पे, एंड यहाँ पे हमको बत्ती लाने काम मिला है। ये देखो मेरी पत्तियाँ, एंड हमको टी शर्ट मिल चुकी है, तो हमको बत्ती लगानी है यार। बत्ती क्यों लगा रहे थे? मेरा अभी बहुत थक गया यार, लगाते लगाते बत्ती। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बत्ती लग चुकी है जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, कुछ ही दिए ऐसे इन पे बत्ती नहीं लगी है, हम सब पे बत्ती लगानी है। तो मैं सोचा पहले टी शर्ट पहनूं फिर बत्ती लगाना चालू करूं, बिकॉज इस पे अगर तेल लगे तो इस पे लगे, इस पे ना लगे। सही का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ घाट का। सो गाइस मैं अपने घाट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे सब लोग तेल डाले जा रहे हैं। तेल डाल के खड़े हो, डालो यार तेल डालो, जल्दी डालो जल्दी। तो पूरा तेल तो लग चुका है, एंड ये देखिए एक बार व्यू देखिए। हाय चंदू भाई, ओह शिट, चंदू भाई भी तेल डाल रहे हैं। तेल डालो यार, तेल डालो, तेल डालो, कोई बात नहीं। तो यार अब तेल खत्म हो चुका है, चंदू भाई तेल डाल रहे हैं, ठीक है। एंड ये यहाँ का व्यू है यार, बहुत ऊपर से मैं सोच रहा हूँ टाइम लैप्स लेने का यहाँ से। गाइस अपना घाट जो है यहाँ से शुरू है, यहाँ से वहाँ तक गया है, ये पूरा अपना घाट है। ये अरे आप देख रहे होंगे कि हाँ सब में बत्ती लग चुकी है, मोस्ट बस यहाँ बाकी है। एंड हटो बे सामने से, वीडियो में आ रहे हो बे, गजब बेइज्जती है। ये पूरा घाट है एंड सब में बत्ती लग रही है। एक बार भीड़ देखिए यार, सारे यहाँ पे हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, ये देखो सब पे दिए लग रहे हैं, ऐसी धूप में हम लोग दिए लगा रहे हैं, देख रहे हो गाइस। ये देखो अभी मेरे को यहाँ पे दिए लगाने हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, चलो दिए लगाते हैं यार। सबसे ज्यादा काम बेचारी इसने किया है, अमन सबसे ज्यादा काम कर रहे हो ना तुम भाई, फ्लेक्स नहीं हो रहे, बीच में आ रहे इसको जब बोलो पोज मारने को ये फ्लेक्स ही करेगा हमेशा, ये देखो हमेशा बस। पर फिर भी कोई भी लड़की सेट नहीं कर पाएगा इसे बेचारा भाई पूरा मैंने फोटोग्राफी का शॉट करा है। तो तैयारी कैसी चल रही है? मजा आ रहा है? हाँ ये कर क्या रहे हो? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोडा। सबसे ज्यादा काम इसने किया है गाइस, नेहा ए कैनी देख रहे हो, इसको कभी इसके नाम से तो नहीं सुनेगी, खैनी बोले तो नहीं सुनेगी। सो गाइस बेचारे शक्ल देखे एक बार, बिना पानी कैसी शक्ल हो गई है, चमकुंडे जैसी यार पानी नहीं दे रहे यूनिवर्सिटी वाले, देख रहे कैसे है, जस्ट नॉर्मल थिंग्स, किसी को पानी नहीं मिल रहा है। ये कौन है भाई? मेरी फैन है गाइस, इतने सारे फैंस है गाइस, जलाने के हमारे पास कैंडल्स भी आ चुकी हैं, जो कि वो सामने है, ये रही कैंडल कुछ ऐसी दिखती है, तो मेरे को भी कैंडल चाहिए, चलो कैंडल लेने चलते हैं, तब तक के लिए बाय।
मिल गए गाइस, अब जलाना है। फाइनली गाइस, 4 3 2 1 शुरू हो जाओ। तो गाइस चल 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 जला 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 जला। अरे नाम से जला जला दीपक जला यार। चलो यार दीपक जलाते हैं, अब छोटे छोटे टाइम लैप्स देखना यार। फाइनली डिपोजिट खत्म हो चुके हैं, जो मोदी जी आए थे वो जा चुके हैं एंड हमने जो दिए जलाए थे वो कुछ जल रहे हैं, कुछ तो तोड़ भी दिया है लोगों ने। टूटे हुए दिए भी दिखा दो। हाँ मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ पूरे घाट का कैसा है इस टाइम एंड पीछे वो देख रहे होंगे जो कि मैं कल दिखाता हूँ, बहुत सही लगता है यार ये। चलिए मैं व्यू दिखाता हूँ पूरे घाट का। बाय। ये कुछ दृश्य है घाट का, दिए पूरे टूट चुके हैं गाइस, पूरे टूट चुके हैं एंड वहाँ कुछ ठीक होंगे शायद, क्योंकि वहाँ जो हमने राम मंदिर बनाया था दिए से वो था एंड ये सब लोग फोटो ले रहे हैं। मैंने सबकी फोटो ली है, कोई मेरी फोटो नहीं लिया। थैंक यू।